21वीं पश्चिमी जोन अंतर वाहिनी अलार्म एफिशिएंसी रेस शूटिंग प्रतियोगिता वर्ष 2019 का 23वीं वाहिनी प्रांगण में समापन समारोह आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पुलिस महानिरीक्षक पीएसी पश्चिमी जोन अंतिम चंद्रा रहे। मुख्य अतिथि के आगमन पर उनका स्वागत किया गया, जिसके पश्चात उन्होंने सभी जिलों से आई टीमों के मैनेजरों से मुलाकात की। तत्पश्चात मुख्य अतिथि द्वारा सभी प्रतियोगिताओं को सफल एवं निर्विवाद प्रतियोगिता संभाग आने के लिए बधाई दी और आगामी प्रतियोगिता में और अच्छा प्रदर्शन करने हेतु मार्गदर्शन किया। समापन समारोह के मौके पर मुख्य अतिथि द्वारा सभी विजेता टीमों को एवं प्रतियोगिता को सिल्ड मेडल प्रदान किए गए। सबसे ज्यादा सिल्ड और मेडल मुरादाबाद की 23वीं वाहिनी को प्राप्त हुए। 23वीं वाहिनी की जीत पर बधाई देते हुए मुख्य अतिथि उनके अच्छे प्रदर्शन की सराहना की। इस अवसर पर पुलिस उप निरीक्षक पीएससी सुभाष चंद्र दुबे, सेना नायक कुंवर अनुपम सिंह एवं 23वीं वाहिनी पीएसी मुरादाबाद के अतिरिक्त पीएएसओ के साथ दल नायक एवं गुम नायक तथा पीएसी ज्वाइन के सभी 14 वाहनों से आए प्रतियोगी उपस्थित रहे। इस प्रतियोगिता के आयोजन सचिव डीआईजी मुरादाबाद सेक्टर, सह आयोजन सचिव कमांडेंट 23rd बटालियन, कमांडेंट 9th बटालियन, कमांडेंट 24th बटालियन, उपस्थित अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी, आज इस प्रतियोगिता का जो समापन है उसको एक अलग स्तर पे इसको करने की हमारा प्लान था, लेकिन बारिश की वजह से ये संभव नहीं हो पाया। लेकिन फिर भी मैं इस प्रतियोगिता को बहुत ही अच्छी तरह से संचालित करने के लिए, और जैसा कि अपनी प्रशासनिक रिपोर्ट में कमांडेंट साहब ने बताया कि बिना किसी विवाद के इस प्रतियोगिता को संपन्न कराने के लिए इसमें लगे सभी कर्मचारी, चाहे सफाई कर्मचारी हो, चाहे कुक हो या अन्य अधिकारी हो, तो सभी बधाई के पात्र हैं कि इस प्रतियोगिता को इतनी अच्छी तरह से संपन्न कराया। और आज भी बड़े ही शॉर्ट नोटिस पे, करीब आधा घंटा पौन घंटे के नोटिस पे ही इस कार्यक्रम को, समापन को भी इन्होंने ऑल्टरनेट वे में कराने का जो किया वो काबिल तारीफ है। मुझे याद है पिछली बार भी जब ये समापन हुआ था तो मैं ही था तो समापन समारोह में, और मैंने उस समय भी ये कहा था कि ये अच्छी बात नहीं है कि 23 वाले अपने घर पे बुला के सारे मेडल ले लेते हैं, और अपेक्षा की थी कि अन्य वाहनियां भी इसमें अपना योगदान देंगी। क्योंकि अब देखिए जो फायरिंग भट्ट है वो कई जगह है, मौजूद है, 28 में मौजूद है, 38 में उनका अपना छोटा सा एक भट्ट है, और सभी जगह आजकल ट्रेनिंग चल रही है, सभी जगह ऑब्स्टिकल कोर्सेज हैं, वो भी सभी जगह ऑलमोस्ट तैयार ही हैं, तो और बेहतर प्रिपरेशन करने की आवश्यकता है।